सो गाइस क्या हाल चल, आ चुका है ना एपिसोड ऑफ हमारे झिंगा लाला। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं ना एपिसोड ऑफ हार्डकोर मॉडेड सर्वाइवल पे, जो इतना हार्ड है जो मेरा वर्ट लगा पड़ा है। ओके तो गाइस सबसे पहले हार्ड कोर से भी और भी ज्यादा जिंदगी में हार्ड करने वाला चीज है जो हम लोग करने वाले। सो गाइस बेसिकली आपको ऑलरेडी देखो टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा आज की कहानी क्या है, बट वो इतना छोटा कहानी नहीं है। आज हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले हमको जो मेन टारगेट है वो हमको एक विलेजर का ट्रेनिंग रूम चाहिए एंड सेकंड टारगेट एक डायमंड का फुल आर्मर एंड टूल चाहिए। तो ये दोनों चीज आज तो मुझको बनता है यार। सबसे पहले तो ये जो जितने सारे विलेज गाइस, ये जो विलेज है ना बहुत ही ज्यादा बड़ा, आप लोग देख सकते हो जितने सारे विलेज है सबका घर मैंने लूट स्टार्ट के यहाँ पे कुछ बेड लेके आ गया। मैंने इधर इनका ब्रीडिंग स्टार्ट कर दिया, पता नहीं बट बिना टकले वाला विलेजर भी इधर आ चुका है। कुछ ओ माय गॉड ऊपर क्या बैट से, मैं तो डर ही गया भाई। ओके तो अरे यार एक तो इनका जो ओ माय गॉड ओके भाड़ में जाए डोंट केयर। सो इधर मैंने कुछ शुगर केन भी लेके आके लगा दिए थे एंड कुछ इधर फार्म ओके तो कुछ खाना इतने सारे हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बाकी जो चीजें थे मैंने इनको बिल्डिंग के लिए दे दिया खाना खिलाने के लिए। और एक चीज आज का जो मेरा टारगेट है वो टारगेट करने के लिए हमको सबसे पहले आर्मर चाहिए। देखो मैं सबसे पहले सोचा कुछ मेंडिंग वेंडिंग खड़ा कर लेते क्योंकि आज का जो टारगेट है वो मेरे को बड़ा दुख दिलवाएगा। ओके क्योंकि मैंने पूरा एरिया पे बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग हॉल बनने का सोच के रखा है। देखो क्योंकि इसको मैं जितना नीचे हो सके मैं उतना नीचे इसको लेके जा सकता हूँ बट इसको ऊपर नहीं कर सकता। तो ये वाला जो ट्रेडिंग हॉल होने वाला आज ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सो देखो इसके लिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैप है ना इतना सारा गोल आप देखो तो पूरा चंक इधर भरे पड़े तो इसको पूरा मुझे हटाना पड़ेगा ना एक साथ। मुझे ये जो जगह है ना पूरा जंगल धीरे धीरे मैं कैप्चर करके पूरा जंगल का हटा दूंगा बट अभी के लिए मुझे जंगल हटाना पड़ेगा। ठीक जंगल हटाने से पहले मैं सोच रहा कुछ डायमंड का टूल्स का ट्रेडिंग कर लेते क्योंकि इसमें जो टूल्स वगैरह बनाना बड़ा ही हार्ड है। सो इससे मैं बना सकता हूँ मॉब कैचर। होपफुली जो मॉब कैचर है मेरा जिंदगी थोड़ा सा सफल कर दे क्योंकि विलेजर को लेके जाने के लिए आई थिंक मेरा मदद कर सकता है। तो मुझे एक बार चेक करने दो कि ये ओके तो अरे 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 भाई रुक जाओ इसके अंदर विलेजर आ चुके हैं नाइस। इसके अंदर मैं डाल दिया ओ यस तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं हमारा मॉब कैचर एंड फुल एंटरमैन को मार मर के मेरा वॉलेट लग गया था क्योंकि गाइस मैं पूरा लिटरली मरने वाला था वहां पे। ओके अरे गाइस देखो डायमंड का अर्बन मेरा टारगेट था ना पहले, अभी मेरा जो टारगेट उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सोना पड़ेगा। सोने के लिए मुझे जाना पड़ेगा विलेजर के एरिया पे एंड मुझे धड़म करके सोच रहे। देखो सोना है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एंड मुझे लिटरली बता रहा हूँ मेरा दिमाग के ऊपर से चला गया था। अभी मैंने जस्ट देखा, मैंने सोचा इनको टूल्स देकर डायमंड का बना लूंगा बट देखो डायमंड का आर्मर तो ठीक है बट इसमें एक आर्मर बनता है वेनगार्ड आर्मर। ये देखो वेनगार्ड शील्ड वेनगार्ड आर्मर वेनगार्ड ये देखो गाइस ये जो चीज आप लोग देख पा रहे हो ना तो ये है। इसका जूता किधर है? इसका वेनगार्ड का जूता नहीं होता, वेनगार्ड का शील्ड, वेनगार्ड का हेलमेट, वेनगार्ड चेस्ट प्लेट, वेनगार्ड का लेगिंग एंड वेनगार्ड का आई थिंक सो बूट नहीं होता इसमें गाइस वेनगार्ड के देखो। तो कोई दिक्कत नहीं, लेदर ढूंढ के आते हैं एंड लेदर फुली इधर कहीं पे मुझे मिल जाना चाहिए लेदर वगैरह। किधर है? अरे भाई साहब झिंगा लाला बंदे हो का तुम? ओहो इनको मारना पड़ेगा अपन को। ओए ओहो ओहो भाई से लोग खतरनाक डैमेज दे रहा है। रुको भैया तुम्हारे बदला लेंगे अपन। तो सबसे पहले ओहो इधर एक भालू है, अगर इसको मैं मारूं तो उसको कैसे मारूं? ओए भाई ये तो पीछे पड़ गया। हेलो भालू तुम एग्रेसिव हो भालू प्लीज एक दो। अरे भाई साहब भालू एग्रेसिव है। ओके अरे ये कौन है? हेलो अंकल जी हु अरे हु अंकल जी अब हेलो कोई इधर कुछ तो है जो मेरे को मारने का प्लान तो नहीं बना रहे। हेलो आप ओके ओहो भाई मेरे को ये इसका एचपी कितना है? हेलो ओए ये आऊं क्यों कर रहा है? हेलो इसको पकड़ सकता हूँ क्या? ओके इसको अरे ये क्या चीज? अरे हाँ ये विलेजर टाइप का क्यों लग रहा है भाई मुझे नहीं पता यार। बट मैंने इधर एक काउ रखा था, काउ किधर गया? काउ ओके रहा काउ गाइस। तो फिलहाल काउ को इसके अंदर रखना पड़ेगा ब्रीड करने के लिए और कोई जगह नहीं है मेरे पास। सो दो काउ तो मैं इधर लेके आ चुका हूँ। ओह थैंक यू। तो अभी मुझे लेदर का बंदोबस्त करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने। फाइनली टाइम आ चुका है गाइस हम लोग ये आर्मर बनाए एंड मजा करें। तो फाइनली ओ वेनगार्ड का 13 डिफेंस एंड वेनगार्ड का चेस्ट प्लेट एंड गाइस वेनगार्ड का हेलमेट। गोल्ड किधर गया? मेरे पास गोल्ड था ना। ओके ये रहा गोल्ड, थैंक यू सो मच।
ओके, तो गोल्ड भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, एंड ये है वेनगार्ड शील्ड। ओके, जो मैं बना नहीं सकता। तो गाइस अभी मुझे चेंज करना लेगिंग, चेस्ट प्लेट एंड हमारे ये चीज। ओ भाई, ओके, जूता मेरे पास नहीं है तो जूता मैं चेंज नहीं कर सकता। एंड मेरे पास चेस्ट भी, अरे चेस्ट प्लेट भी, अरे चेस्ट भी नहीं है ना मेरे पास, तो ये चेस्ट में डाल दो अभी अभी के लिए। तो गाइस ये ना हमारा सबसे ओपीएस वेनगार्ड वाला आर्मर, जो मेरा आई थिंक थोड़ा सा, ओके प्लीज, ओ माय गॉड, मैं ज्यादा ही तो नहीं लिया, ज्यादा ले लिया मैंने। सो प्लीज टूलस्मिथ भैया एक काम करो। ओके, अभी आई, अरे यार इसको अपग्रेड ही नहीं कर सकता मैं, इसको ऐसे करके अपग्रेड कर सकता हूँ मैं। सो जितने से एम्ब्रेल है ये मैं काम लगा दूंगा इस जगह पे। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे जो मेन चीज है, सबसे पहले जो एरिया है ना, मुझे पूरा एरिया को करना है क्लियर। तो एरिया को क्लियर करने के बाद उसके बाद हमारा जो काम है स्टार्ट होने वाला है। तो फटाक से देखो, ये जो एरिया क्लियर करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट आपको सिर्फ ये एक दो सेकंड में हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 3, सो बूम। यस गाइस, हम लोगों ने पूरा का पूरा एरिया कर दिया क्लियर, बट थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो मुझे कुछ इतने सारे हमको डार्क लॉग मिल चुका है, एंड कुछ गाइस और एक्चुअली ट्रेडिंग भी किया है। सो कुछ ट्रेडिंग शेडिंग भी कर लिया था, एंड उसके साथ मुझे एक जॉम्बी का एक भी मिल चुका है। रात को जॉम्बी आया था तो हमने उसको घंटा इतना मारा ना उसको, तो कुछ एक भी मिल चुका है। सो अभी गाइस, अरे यार सबसे पहले तो ये जो प्लांट हो रहा है ना, ये मुझे हटाना है, क्योंकि मुझे ना ये पेड़ को प्लांट नहीं करना अभी के लिए। सो आप लोग जो देख पा रहे हो, जगह इतने बड़े जो जगह है ना हमारे, इसको मुझे पूरा डिग डाउन करने नीचे तक, एंड उसके बाद उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग रूम बनाना स्टार्ट करेंगे। बट ऊपर का जो ब्लॉक से इसको मुझे चेंज करना स्टोन पे। तो फिलहाल मेरे पास स्टोन, कौन से टाइप का स्टोन है यार, क्योंकि मैं ऊपर का जो चीज है ना, इसको मैं स्टोन से बनाना चाह रहा था। टूट जाएगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे अभी। सो एक मैं सवाल ले लेता हूँ, एंड मुझे एक एक्स भी इधर मिल रहे थे, बट मुझे भी एक्स नहीं चाहिए, तो मैं सोचो इससे ना और भी सबल। ओ पिकैक्स, अरे भाई इसने तो पिकैक्स भी ले दिया यार, पिकैक्स भी, अरे भाई पिकैक्स भी चाहिए ना, पिकैक्स आ जाओ, दो पिकैक्स ले लूंगा मैं अभी। ओहो, ये बात तो सही चीज़ है। अब इसको मैं माइन करूंगा, तो अगर मैं इसको ये माइन करूंगा, नो लो गाइस, ओए ये क्या चीज है, डूड व्हाट द हैक, हेलो, ओ भाई, ओ वाटर ड्रैगन एग, अरे भाई वाटर ड्रैगन एग ब्रो, यार ये का मजाक है, गलती से मैंने क्या कर दिया भाई, गलती से जिंदगी बदल दिया यार मैंने मेरा, तो भाई गलती ऐसे लाइफ में गलती होना चाहिए यार गाइस, गलती से ये क्या मजाक था भाई, गलती से मुझे क्या करने मिल गया यार, डायमंड ये गोल्ड, अरे भाई 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 भाई, भाई गलती होता है तो ऐसे गलती होना चाहिए, बाकी गलती होना ही मत। सो अभी मुझे पता चला कि इसमें और भी चीजें जो मैंने दिमाग का दही कर रहा है। सो आप लोग देख सकते हो मैंने खतरनाक वाले इतना खतरनाक गड्ढा तो बना दिए थे, कुछ कुछ जगह पे अभी कुछ कुछ जगह पे अभी चेंज करना बाकी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस जगह पे। एंड ये जो ब्लॉक होगा ना, इसके नीचे से वो नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग इधर दूसरे ब्लॉक्स लगाने वाले। सो ओके, एक दो करके हटा देता हूँ गाइस, क्योंकि बाद में ना मुझे फिर से परेशानी ना करना पड़े कि यार हमने ये भूल गया, हमको हटाना था। नहीं यार, अभी पहले ही सब काम खत्म कर देता हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा, अरे रुको रुको, इधर भी थोड़ा सा बाकी है ना, इसके नीचे से कोई ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा फ्रेश न्यू ब्लॉक लगाएंगे इसके नीचे से, जस्ट लाइक दैट। भैया थैंक यू, एमरल दे दो थोड़ा सा। ओके गाइस, ज़्यादा एमरल तो नहीं हो पाया आई थिंक एक, अरे यार मुझे ना गाइस आयरन का जुगाड़ करना पड़ेगा यार, जब तक आयरन का जुगाड़ ना हो ना भाई, आयरन एक ही आयरन के ब्लॉक्स है यार, अभी आयरन का ब्लॉक्स कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ बट कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ ना कुछ, व्हाट इज दिस, ये है हार्पून, हार्पून से क्या होता है पता नहीं यार, स्पीयर कटाना, ओहो 7 damage, ओके मेरे पास अच्छा कुछ है इसमें, डैगर 7 damage, सोल नाइफ 9 damage, भाई 9 damage का चीज है यार, बट ये काम नहीं करता, तो इसको, अरे यार अभी मेरे को आयरन चाहिए भाई, 7 damage यार मैं बना लेता यार, बट मेरे को ना अभी आयरन, ओके चलो 1, 2, सो ये मैं बन गया, मेरा पास वनीला हैमर, तो ये हैमर क्योंकि मैं स्टोन ब्लॉक बनाकर ट्राई किया था, बहुत अच्छा है। एंड मैं अगर ये बना दूँ सोल नाइफ, 9 damage का अटैक से बहुत ज़्यादा है, अगर मैं इसको बना देता हूँ, पर मुझे चेक करने, इसको फेंक दो, एंड इसको फेंक दो, आई डोंट केयर। और ये मेरे पास जो सोल नाइफ, ओ भाई अरे इसके अटैक स्पीड देखो भाई, क्या स्पीड है अटैक के, अरे भाई कते खतरनाक स्पीड है यार अटैक के, देखो भाई ये सही चीज़ है यार, यही सही चीज़ है। ओके कोई दिक्कत नहीं, सुनो देखो इधर क्या हो रहा है पता है, मुझे लिटरली बता रहा हूँ इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि यस ओके तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट आधा तो एरिया खोद दिया, बट मुझे ऑलमोस्ट 2 घंटे लग चुका है इसको, क्योंकि मैं पूरा हैमर से तोड़ रहा था, एंड हैमर इतना स्लो यार मेरे से रहा नहीं जा रहा है, 2 घंटे से ये माइनिंग मेरे से नहीं हो रहा है। तो लिटरली
अरे यार ये कहाँ पे गया। तो ये गड्ढा कर करके मैं थक चुका हूँ, अभी मुझे इफिशियंसी चाहिए चाहिए, जैसे भी हो कैसे भी हो, आई डोंट केयर। तो गाइस इतना सारा चेस्ट ऑलमोस्ट, देखो ये चेस्ट फिर कॉन्स्टेंट से ये चेस्ट सब ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। ओके ओके यार कोई तो अच्छा बंदे जॉब ले लो जो हमको इफिशियंसी दे सके और अनब्रेकिंग, ये दोनों चीज दे दो ना जिंदगी बदल जाएगा। ओके हाँ ऑलमोस्ट गाइस 40 मिनट हो चुका है लगातार मैं इनको स्विच कर करके अभी तक, तो मुझे अभी तक इफिशियंसी नहीं मिल पाया। अनइफिशियंसी छोड़ के, अरे अरे भैया इसकी माता जी की तो पूजा करूंगा। अरे भैया, अरे भाई विलेजर को मारा ही नहीं एक भी। हेलो, अरे ये कौन सा नशा कर रही है बंदा। अरे यार ये कौन सा नशा कर रही है बंदा, मैंने विलेजर को मारा ही नहीं। ओ हेलो हेलो अंकल जी, अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को मारने कैसे लग गया। What the heck bro? दो दिन थप्पड़ लग गया कभी कभार। चलो वो guys, मजा आ गया, देखते मजा आ गया, देखते guys, अब उनको आयरन गोलम का एक मिल चुका है, यानी हमको स्पॉनर ढूंढना पड़ेगा guys, आयरन गोलम का एक। ओके सो guys मुझे स्पॉनर ढूंढना पड़ेगा, स्पॉनर से सिल्क टच लेकर आना पड़ेगा, बट मुझे अब तक सिल्क टच मिला नहीं है तो स्पॉनर। अरे ये क्या हो गया भाई। तो सबसे पहले गाइस मैं इसमें लगाना चाहूंगा कि इसमें लग जाए मेरा ब्लेजिंग, थैंक यू सो मच। इसमें क्या मेंडिंग, ये रख गया और ये रख गया मेरा मेंडिंग, थैंक यू सो मच। और एक नाइट विजन जो मैं लगाना चाहता था हेलमेट पे, क्योंकि रात को काम करने में दिक्कत होता है, तो मैंने इसमें लगा दिया है नाइट विजन, थैंक यू। आप यूरेनियम पिघला हुआ मिलेगा प्लीज। अरे ये देखो अभी आएगा ना मजा गाइस, पिघला हुआ यूरेनियम, एंड उसके साथ मेरे पास है अनब्रेकिंग वन एंड मेंडिंग, यानी इनाफ है फिलहाल के लिए। तो चलो तो धड़ कर गाइस ये जगह को क्लियर करते हैं, एंड ओके सॉरी इसको मैं फिक्स कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड करते माइनिंग। फाइनली गाइस 200 साल के मेहनत के बाद हम लोग फाइनली बना चुके हमारे पूरा के पूरा। ओह इधर का, ओके नहीं मैंने सोचा भाई इधर भी अलग अलग। ओके तो फाइनली हम लोगों ने बना चुके पूरा, और गाइस देखो यार कते खत। अरे हेलो ओके चल, ओहो गिलास भाई गिलास, अपन का गिलास, आ जाओ गिलास, इतना गिलास काफी है क्या? आई थिंक मुझे थोड़ा सा और लेके जाना चाहिए। एंड इधर ये क्या है? ओके ये मार्बल है ना, थोड़ा मार्बल दे दोगे हमको थोड़ा सा? ये मार्बल आई थिंक ना काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से, ये कौन सा मार्बल है? रॉ मार्बल है ना? ओके ये मार्बल फुली मेरा कोई काम कर रही है, क्योंकि ये मार्बल से कुछ होता है क्या? सो ये मार्बल से, ओके ये मार्बल से कुछ नहीं हो सकता। ओके ये हो सकता है, कुछ कुछ चीजें तो चेंज होता है, बट हर चीज चेंज नहीं होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना तो चल जाएगा, इतना तो चल जाएगा, आ जाओ। ओके कितना भाई साहब, मैं जितने सारे हो सके ना मैं फटाफट गिलास ले लेता हूँ। ओके डन, तो ये गिलास लगाना हो चुका है डन। भाई साहब कितना बड़ा एरिया बना दिया मैंने, बट कोई ना यार इसमें भी बहुत से खचड़ा भी, मतलब अरे पता नहीं गाइस। यो सो गाइस फाइनल यस गाइस, तो आप लोग देख सकते हो मैंने इधर पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, कुछ स्टोन हम लोगों ने स्मेल्ट किए, थोड़ा सा टाइम लग गया, एंड हम लोगों ने जो पिकैक्स है यार थोड़ा सा ओपी पिकैक्स है हमारे पास, ठीक है। ओके तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे कुछ ब्रिक्स पड़े हुए थे, आपको पता नहीं है, तो मैं माइन करने गया था ग्लासेस, और इस मेल्ट का इससे बन गया था पूरा ब्रिक्स, मतलब ये ब्रिक्स, तो इससे मैंने बना लिया ब्रिक्स, मतलब ये भी ब्रिक्स है, ये भी ओ ये ब्रिक ए ब्रिक्स। ओ भाई ओके गाइस ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते, तो फाइनली मैंने कुछ ऐसा डिजाइन सोचा है, मुझे इसको ऊपर तक लेके जाना है ऐसा डिजाइन। अभी इसको ऊपर तक लेके कैसे जाएंगे वो मेरे पास आइडिया नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैं डार्क को यूज कर रहा हूँ अभी, मेरे को मजा। ओए हेलो, अरे रुको रुको रुको, अरे कुछ कुछ भाई इधर चेंज नहीं हुआ ब्लॉक, रुको इसको चेंज करो, क्योंकि मुझे ये जो चीज़ है ना नीचे का जगह मैं सोच रहा हूँ, नीचे का जो चीज़ है ना इसको अगर मैं चेंज कर दूँ जस्ट लाइक डैट, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूँ तो कैसे दिखेगा? एक्चुअली नॉट बैड, बट ऊपर में सेम टू सेम करना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, ये मेरे को सही लग रहा है, तो दूर जाके देखो, नॉट बैड यार गाइस नॉट बैड, बट अभी के लिए इसको ऐसे रहने दो, मेरे पास क्योंकि ज़्यादा मटेरियल है नहीं इसके, तो इसको थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा उसके बाद ही तक, तो मजा बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो एक दो तीन तो इसके जगह का कुछ देखना पड़ेगा, एक दो तीन, और मेरे पास जब टेलीपोर्टर वाला आ जाएगा ना, इंटरपल ज्यादा आ जाएगा तो मैं इसको स्विच कर दूंगा टेलीपोर्टर में, बट अभी के लिए मुझे ये यूज करना पड़ेगा, एंड इसके ऊपर एक दो। ओके तो ये आई थिंक काम कर रहा है मेरे ख्याल से, ये अभी एक दो तीन, नाइस एक दो तीन। अरे यहाँ पे गलती हुआ ना, यस हमारे लौंडे इधर हमारे होगा जो गलती। ओके तो ये सीन होने वाला हमारा, देखो ये होगा पूरा डिजाइन ऊपर तक, तो ऊपर गाइस मुझे पता है ऊपर एक दो ब्लॉक बच जाएगा, तो वहां पे मुझे कुछ अलग डेकोरेशन में कर दूंगा। सो ये ऐसा कुछ डिजाइन होगा हमारे पूरा का पूरा ऊपर तक। सो ये लगा दिया मैंने, अगर फुली अच्छा, एक दो ओके
सो गाइस कुछ ऐसा डिजाइन लग रहा है तो नॉट बैड यार, नॉट बैड। ओके गाइस यही डिजाइन में करने चाह रहा हूँ पूरा का पूरा। सो गाइस देखो इसको करने मुझे 1 घंटे तो लगने वाला है, लेकिन आपके लिए जस्ट 1, 2, 3। ओ मेरे भाई लोग, सो गाइस देखो तो 3 बोलने के बाद इतने सारे चीज ऑटोमेटिकली बिल्ड होके आ चुका है यार, जो इतना घंटे का मैंने लिटरली बता रहा हूँ 1 घंटे नहीं ऑलमोस्ट 2 घंटे लग चुके हैं। क्योंकि हमारे पास घंटा था, मेरे पास घंटा भी था, जो प्राइस ब्लॉक थे बहुत ज्यादा कम पड़ गए थे, टायर कोक भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा ज्यादा तो कम पड़ गए थे, बट कोई दिक्कत नहीं। फाइनली इतने सालों के मेहनत के बाद गाइस देखो ये वीडियो टोटल 4 घंटे या 5 घंटे तो लगा ये वीडियो को टोटल रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मटेरियल मेरे पास बहुत कम था। एंड सबसे पहले गाइस देखो आर्मर जो है मेरे को बहुत अच्छा बचा रहा है, बट ये जो आर्मर है ना इसको इसका बूट ढूंढना पड़ेगा, एक अच्छा बूट। ओके तो गाइस बेसिकली हमारा जो बिल्ड कुछ ऐसा देख रहे हैं, बाहर से आपको मैं दिखाऊँ तो भाई बाहर देखो गाइस ये जो जगह है ना पूरा कचड़ा होकर रखा है, इसको बनाने के चक्कर में देखो इन्वेंटरी भाई हर एक चेस्ट में कचड़ा है, कचड़ा कचड़ा कचड़ा, तो ये सब मुझे फिक्स करना पड़ेगा धीरे धीरे। एंड मैं इतने बार ऊपर से गिर गिर के हालत मेरा खराब हुआ है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बताओ भी। ओके ओ माय गॉड गाइस, ओ ब्रो क्या इनसेन दिख रहा है गाइस, ओ माय गॉड क्या इनसेन दिख रहा है ये। तो यार अपन भी थोड़ा थोड़ा यार, ओ माय गॉड अभी अपन भी थोड़ा थोड़ा नूब बिल्डर से प्रो, अरे प्रो तो नहीं बट यस काइंड ऑफ हम लोग बन रहे धीरे धीरे। ओके तो गाइस अभी जो टाइम है या ये जो जगह है ना मुझे थोड़ा सा प्लेन करना है थोड़ा सा, बट मेरे पास अभी ये देखो पूरा प्रॉपर इंचेंट वगैरह नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ इसका भी एक दिन लाइव स्ट्रीम करें, धीरे धीरे इंचेंट वगैरह इकट्ठा करें। सो क्या बोल चुका है हार्ड कोर का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा सेकंड चैनल पे, मेन पे नहीं सेकंड चैनल पे। ओके अभी जो मेन टारगेट नहीं सॉरी अभी जो मेन चीज़ है वो है कि हम लोग विलेजर को अंदर कैसे ले जाएगा, ये सबसे बड़ा दिक्कत। ओ माय गॉड सबसे पहले तो इसको कचड़ा को ठीक करोगे, कचड़ा मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कचड़े। ओके तो ये सब मैंने, ओ गाइस मेरे पास एक स्टोन हॉर्स स्टैचू है मुझे जो बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ये पसंद आया था, तो मैं इसको नीचे भी प्लेस करने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग रास्ते वगैरह बनाने वाले। और एक चीज यहाँ पे मैं गाइस आपको दिखा देता हूँ, सो यहाँ पे अरे यहाँ पे यानी अरे भाई चढ़ने के ऊपर तो इस जगह पे मैं जो लगा के रखना लेडर, तो इस जगह पे मैं ये लगा दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओए अरे सुनो ये नहीं हमको, ओए तो गाइस मैं वहाँ पे लगाने वाला हूँ ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना वार पैलेट, सो ये वार पैलेट मैं वहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, बहुत ही खतरनाक वार डस्ट। तो ये वार डस्ट हम लोग बना सकते हैं, बट सबसे पहले एंटरपल का हम एंटरपल बना सकते हैं, रुक जाओ। ओके तो इंटरपल हम लोग नहीं बना सकते, तो इंटरपल बनाने के लिए हमको रुको ये बंदा हमको इंटरपल देता है। सो सबसे पहले इसके इंतजाम करते हैं, और इसके लिए ब्रूइंग स्टैंड चाहिए, होपफुली मेरे ब्रूइंग स्टैंड होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इधर बहुत नहीं इधर विलेज, अरे इधर तो ब्रूइंग स्टैंड है ही नहीं क्योंकि इधर जो भी हमारे विलेज थे। ओके आई थिंक मेरे पास ब्रूइंग स्टैंड होगा नहीं तो ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, कब से सामान पकड़ उगे पड़ा यार मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, मेरा विलेज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो गाइस अभी टाइम आ चुकी विलेजर में, सोचो विलेजर में ब्रेड इधर ही करने वाला हूँ क्योंकि उसके घर के अंदर मैं कचरा बिल्कुल नहीं करने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले विलेजर को मुझे लेके जाना है, एंड उसके लिए अरे भाई उसके लिए तो दिक्कत है। और एक चीज़ बता रहा हूँ गाइस, ये जो विलेज मतलब हमारा जो जगह है ना उसको मैं चाहूँ तो इन फ्यूचर में नीचे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। यस मैं जो नीचे आप लोग देख पा रहे हो इन फ्यूचर मुझे एक्सटेंड करना तो मैं नीचे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, वैसे मैंने बिल्ड करके रखा है इसको, नीचे जितना नीचे एक्सटेंड करना है मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, जस्ट मुझे ये ब्लॉक्स हटाना है एंड से नीचे चला जाना है। और जो स्टोरेज रूम मैं इधर बनाने नहीं वाला क्योंकि स्टोरेज रूम जैसे एक ही जगह पे बनाऊंगा जहाँ से मैं रिमोट के थ्रू एक्सेस करने वाला हूँ, एंड बाकी जो चीज़ है मैं ऑटोमेटिकली कर दूंगा सब चीज़। मुझे अगर मुझे अभी के लिए तो विलेजर जितने विलेज में विलेजर रखूंगा मुझे उतना काफ़ी है, तो बाद में मुझे अगर इसको एक्सटेंड करना होगा तो मैं कर दूंगा यार, बट आज बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुका हूँ मैं। तो एक कैसे वीडियो को लाइक करते 1000 लाइक, होपफुली आप लोग मेहनत का थोड़ा सा फल दोगे, फल नहीं दोगे तो खा लो पकड़ के फल को, ठीक है। सबसे पहले हमको चाहिए कुछ मॉब कैचर, होपफुली ओके ये रहा मेरा मॉब कैचर, मुझे और भी मॉब कैचर चाहिए जिसका हमको एंडरमैन को थोड़ा धिमतड़ा करके मारना पड़ेगा, बट मैं उसको मारने का मन नहीं कर रहा है तो रुको मेरे पास कुछ ओके भाई कहाँ पे मैंने क्या क्या रख दिया ना मुझे ऐड भी नहीं है, ठीक है। सो TNT ये ओके इधर भी कुछ नहीं था, किधर था भाई। ओके तो ये रहा कुछ हमारे, ओ माय गॉड ये तो गाइस कुछ कते खतरनाक थे। तो सबसे पहले मैं इस दुनिया का एक चीज़ जो सबसे कीमती होते हैं वो होते हैं मेंडिंग, तो आज मैं मेंडिंग ही लेके जाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा आज एक्सप्लोर भी करना था, बट आर्मर वगैरह पर जब तक इंचैंड ना लगे भाई मैंने कहीं पर नहीं जाने वाला, ठीक है।
अभी मेंडिंग वाला कौन से हमारे ये है मेंडिंग वाला, तो आ जाओ भाई तुम सबसे पहले आ जाओ, क्योंकि गाइस मेंडिंग इज इक्वल टू हमारा जितने भी सारे आर्मर है वो सेफ रहेंगे मैजिक, अरे भाई मैजिक नहीं नॉट मेंडिंग, क्योंकि मेरे को सोना भी है तो भी रात बाद भी हो चुका है इस, अब लोग सोचे नाइट विजन, तो गाइस मैंने इसमें ऑलरेडी नाइट विजन लगा के रखे हेलमेट पे, जो हमको दिन रात हम लोग मेहनत भी करें ना हमको नाइट विजन ही देता जाएगा, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, जो मेरे को चाहिए। एंड यार मैं डिटेल बता रहा हूँ बहुत अच्छा है, जब इसके लिए बूट ढूंढना पड़ेगा, रुको इसके ना, अरे रुको, अरे क्या चल रहा जिंदगी, रुको सबसे पहले इसके ना इसके लिए बूट ढूंढते BOOT, ओके हाँ हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ इसके साथ डायमंड का बूट मैं अगर पहनूँ, क्योंकि डायमंड को छोड़ के मैं कोई भी और बूट नहीं पहन सकता, तो ओ भाई ये क्या, हेलो गाइस व्हाट इज दिस मैक्स सूट, अरे भाई आई थिंक ये खतरनाक होगा, बट आई थिंक अभी हम लोग नहीं बना सकते वो सब चीज़ें। अरे भाई एक तो भाई मुझे और स्टोन बनाना पड़ेगा यार, बड़ा झमेला जिंदगी। ओके तो गाइस सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं रखने वाला हूँ नीचे के टीयर पे, एंड अगर मुझे इसको चेंज करना हो इन फ्यूचर, मुझे और भी ज़्यादा विलेजर का ज़रूरत पड़े, तो मैं सीधा इसको डिग डाउन करूँगा एंड सेम टू सेम मैं उसको बिल्ड करते जाऊँगा जैसे हम लोगों ने इसको बिल्ड किया। आई थिंक अभी के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो चलो मेंडिंग लगाते हैं जगह पे, सॉरी मेंडिंग 1 2 3 यस अपन क्या मेंडिंग वाले विलेज यार, ये बाय ये लो, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, बट कुछ हीलिंग सीलिंग का चीज़ें तो मैं रख लेता हूँ अभी के लिए, अगर मुझे बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो यार हीलिंग का सामान तो इसको मैं रख लेता हूँ, ये अपग्रेड भी हो चुका है। ओके तो हीलिंग के साथ मुझे इन्फिनिटी भी ऑलरेडी मिल चुका है, एंड गाइस इसको मैंने 2-3 थप्पड़ भी मार दिया था, तो डर सुआ ये हाँ अपन को बोल रहा है तुम भैया भागो यहाँ से। ओके मिस्टरी वेज, इससे क्या होता है यार, इससे रुको रुको एक सेकेंड, इससे कुछ तो होता होगा, अरे भैया टोपी तो मस्त पहनो, ओ अरे ये तो सही चीज है यार, अरे भाई साहब ये तो सही चीज है, हम लोग सैपलिंग से भी अम्ब्रेला ले सकते हैं, अरे ये तो खतरनाक है, तो जितने सारे सैपलिंग हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, जो ऑटोमेटिक हम लोग फार्म डिजाइन करने वाले थे इन फ्यूचर, तो उसमें से बहुत फायदा होएगा। अरे भाई तुम रखो अभी बैठ, अभी मेरे को निगेट नहीं है, अभी सबसे पहले हमको ओपी बनना है, ओपी बनने का एक तरीका एन्चेंटमेंट्स एंड आर्मर, तो आर्मर बेसिकली मेरे पास है सबसे बेस्ट आर्मर अभी के लिए, बट इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, डायमंड DIA, ओके डायमंड की ड्यूरेबिलिटी होता है कितने, डायमंड की ड्यूरेबिलिटी मेरे को दिख नहीं रहा एक्चुअली, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये रहा तुम जाओ इसके अंदर, एंड ये लो तुम्हारे बुक। ओके सो गाइस ये दे रहा है लक ऑफ रिपेयरिंग, जिसके मदद से जो हमारा एनबिल में रिपेयर कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा, यानी थोड़ा सा अच्छा है, नॉट बैड टाइप के, जब तक स्पॉनर ना मिले मैं कुछ जुगाड़ नहीं कर सकता, तो अगर मुझे स्पॉनर चाहिए तो स्पॉनर के लिए मैं सोच रहा था कि मैं पानी में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूं, क्योंकि पानी में शिप वगैरह अगर मिल गया तो अच्छी बात है, बट पानी में शिप होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे जगह पर शिप मुझे दिखा नहीं है, एक भी स्ट्रक्चर वगैरह दिखा नहीं है, अगर लूट थोड़ा देर मैं इधर उधर घूमूंगा आज, देखता हूँ कैसी ना। ओके सोच गाइस चलिए आज के वीडियो में रखते हो, प्लीज वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना गाइस, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए लिटरली बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की, आप प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो मतलब जाना ही जाना, सब्सक्राइब करना फिर जाना, नहीं तो भैया फिर से आकर सब्सक्राइब करना। ओके तो चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही, प्लीज वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना गाइस, बाय बाय।